सी, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। पहले तो सबको पता है आज हमने नया सेक्शन चालू करे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज टू पार्ट्स, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज टू पार्ट्स, टू पार्ट्स, एंड द टू पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रूट एंड फंक्शनल ग्रुप। द टू पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रूट एंड फंक्शनल ग्रुप। एंड फंक्शनल ग्रुप। सो वी हैव टू पार्ट्स, रूट एंड द अदर पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप। रूट एंड फंक्शनल ग्रुप। नाउ रूट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड रूट इज मेड अप ऑफ कार्बन कार्बन एटम्स। फंक्शनल ग्रुप कैन बी मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज टू पार्ट्स। द टू पार्ट्स आर रूट एंड फंक्शनल ग्रुप। रूट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, वाइल द फंक्शनल ग्रुप कैन बी मेड अप ऑफ एनी अदर एटम्स एज वेल। इज दैट क्लियर? फंक्शनल ग्रुप कैन बी मेड अप ऑफ any other atoms as well. Now when I say it is made up of only carbons, do you know how those carbon atoms are connected to each other? Covalent bonds. By covalent bonds. By direct bonds. By direct covalent bonds. Okay? So the carbon atoms are connected by direct covalent bonds. Carbon atoms are connected by direct covalent bonds. What is this property of direct bonding known as? Catenation power. Catenation. Anyone can define catenation? Capability to form strong covalent bonds The property of any atom. The property of any atom to form direct bonds with its own atoms is called catenation. Once again, I am repeating, property of any atom to form direct bonds with its own atoms to form long chains is called catenation. So any organic compound is having two parts. One of the part is known as root, while the other part is known as functional group. Root is made up of only carbon atoms,
while functional group can be made up of any other atoms, including carbon atom. Carbon atoms are connected by covalent bonds to form long chains. This property is known as catenation. ठीक है, इतना समझ गया? Yes, ma'am. याद हो गया इतना? इतना याद हो जाना? Yes, ma'am. बढ़िया सा रिवीजन किया है. तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट, एक पार्ट है रूट, दूसरा पार्ट है फंक्शनल ग्रुप. रूट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, जबकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो सकता है लेकिन उसके अलावा दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं. कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड, और इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन बोलते हैं. राइट. अब सवाल उठता है कि भाई कितने कार्बन हो सकते हैं? क्या सवाल उठता है? कितने कार्बन हो सकते हैं? सो व्हाट यू से? कितने भी हो सकते हैं. सही बात है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं. करेक्ट. हाउ मेनी कार्बन एटम्स? एनी नंबर. सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर पॉसिबल? कितने कार्बन हो सकते हैं? आंसर इज कितने भी हो सकते हैं. एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज पॉसिबल. एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज पॉसिबल. लेकिन हमें आना मालूम तो होना चाहिए कि भाई ये जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है इनको हम बोलेंगे क्या. करेक्ट. आपने फर्स्ट पेज लिख लिया था? यस मैम. यस मैम. फाइन. तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे किस कार्बन को हम क्या बोलेंगे. ठीक है. मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, रूट एंड फंक्शनल ग्रुप. द पार्ट विच इज रूट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन्स, एंड दिस पार्ट कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन. द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन. एंड द फंक्शनल ग्रुप कैन बी मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स और एनी अदर एटम एज वेल. Now, number of carbons can be any number. Some numbers which we need to know are, let us see, number of carbons. And we are finding a word for the root. So, if the number of carbons is 1, then the word root is. If it is 2, then the word root is. You can write with me, everybody. For 3, it is prop. 4 carbon, it is bute. Are you writing? Yes, ma'am. Yes. 5 carbon, yes, it is pent. 6 carbon, it is hex. 7 carbon, hep. 8 carbon, oct. 9 carbon, none. 10 carbon, dec. यू शुड लर्न. अगर आपका लिख के हो गया ना, फटाक से लर्न कर दो. मीथेन, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, टेक. स्पीड में बोलने का. कैसे बोलने का? स्पीड में. नाउ वी प्रोसीड फर्दर. Word root.
Nidish, organic started in your school, college, wherever? Yes, miss. Okay. So, do you know this? Till 30 carbons, what are we know? What are we calling them? I only know till 10. Oh. Okay. We don't need that. So, let us proceed further. So, 1 carbon mate, 2 carbon 8, bol sakte mere saath, 3 carbon prop, 4 carbon butte, 5 carbon pent, 6 carbon hex, koi nahi bol raha. 7 carbon heft, 8 carbon off, 9 carbon long, 10 carbon tet. Wonderful. Lovely child. Very good. 11 carbon? Undek. Wow. So some of you know till 30, isn't it? Yes. Okay. Yes. So 11 carbon undek. 12 carbon dodec, 13 carbon tridec, 14 carbon tetradec, 15 carbon pentadec, barabar hai na? डेक यानी 10 और पेंटा यानी 5, 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया. हेक्साडेक 17 कार्बन, हेप्टाडेक 18 कार्बन, ऑक्टाडेक 19 कार्बन, nonadec 20 carbon, icos. Okay, now carbon henicos, 22 carbon Troicos. 23 carbon Troicos. 24 carbon Tetracos. 25 carbon Pentacos. 26 carbon Hexacos. 27 carbon heptacos. Chalo chalo aage badho. Nonacos. Huh? Octacos. 29 carbon nonacos. And 30 carbon tricon. लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So, अब तक हमने क्या सीखा? किसी भी organic compound के, any organic compound has 2 parts in it. One of the part is root, other part is functional group.
root is made up of only carbon atoms, and these carbon atoms are linked to each other to form long chain of carbon atoms by the property called catenation. This carbon part, this root part, is the inactive part. This root part is the inactive part. It is the passive part. It is a part which does not participate in a chemical reaction. It is the functional group, which is the active part, and functional group participates in any chemical reaction. The properties of the organic compound, the classification, the class of the organic compound is found from its functional group. Okay, depending on number of carbon atoms in the organic compound, we have to select a proper word root to write its name. And that goes, as you see on the screen, methate, prob-bute, pent, hex, heptoctanone, dec, undec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, hexadec, heptadec, octadec, nonadec, icos. Henicos, doicos, tricos, tetracos, pentacos, hexacos, heptacos, octacos, nonacos, triacont. And that ranges from carbon 1 to 30 carbon atoms. Okay? Yes. Yes, ma'am. Now, between carbon. Carbon atom to humne le liye. Unke beech mein direct bond bhi hai. But the question comes, types of bond between what is the question? Types of bond between carbon atoms. Types of bond between carbon atoms. अब सवाल उठता है कि भाई कार्बन एटम के बीच में कैसे टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, तो जवाब है या तो हो सकता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. क्या हो सकता है? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. या क्या हो सकता है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. इट कैन ऑल्सो बी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड. नॉट ओनली दिस, वी कैन ऑल्सो हैव कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड. तो क्या करें भाई, अलग अलग टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, तो क्या हुआ? सर क्यों खा रहे हो? अरे भाई सर नहीं खा रहे हैं, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी ऐसा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लाइक दिस, एंड कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी ऐसा. तो क्या करें? तो ये करें कि जब सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड है तो राइट इट एज इन, डबल बॉन्ड है तो राइट इट एज, और ट्रिपल बॉन्ड है तो राइट इट एज वायर. सो एन मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड आइन मींस कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. लिख लिया आपने ये? Please tell me once you are done. Done, ma'am.
Okay. So an in ein. अब तुम्हें पता होगा एन के बाद कभी कभी ई लिखते हैं. Yes or no? Yes. Yes. जैसे कि तुम्हें याद होगा ऐसे लिखते हैं एल्क एन. याद है कि नहीं? Yes, ये ई लिखते हैं, ये एल्क लिखते हैं. तो ये ई कब क्यों कहां कैसे किस लिए लिखते हैं वो समझ में एंड इतना तो मैंने सिखाया था पहले, मुझे याद है. और क्या आंसर इज? ई इज द सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाँ ई इज द सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हेलो नाइट्रो अल्कोक्सी नाइट्राइल नाइट्रोसो. क्या लिखा मैंने? इज द सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हेलो नाइट्रो अल्कोक्सी नाइट्राइल एंड नाइट्रोसो. हाइड्रोकार्बन हेलो नाइट्रो नाइट्रोसो अल्कोक्सी नाइट्राइल. हैव यू रिटन टिल हियर? यस. अब थोड़े से जनरल एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम जनरल. बाद में और सम बहुत बहुत सीखना है, बहुत 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 है, बहुत सीखना है. और एक बात लिखते हैं, ये जो कार्बन चेन्स होती है you can write with me. Carbon atoms have property of catenation. And catenation is the property to form. I'm writing here. Catenation is the property of carbon to form. Direct bonds with its own atoms to form long okay. इतना लिखा या नहीं? बोलो 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 बोलो. ओके और बताऊं, ये जो लॉन्ग चेन्स है ना आर रिटन लाइक दिस जिगजैग. दे आर रिटन एज
zigzag. They are written in zigzag manner. तुम सबसे एक सवाल है, पता लगाने की कोशिश करोगे? नहीं करेंगे, कोई नहीं बोला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Why carbon chains are written in zigzag manner? अभी मत बताना, आराम से पूरा एक लेक्चर ले लो, मंडे को बताना। कुछ माइंड में आ रहा हो तो भी अभी मत बोलना, अभी मैं आंसर लूंगी ही नहीं, मंडे ही ये आंसर पे बात होगी। अब इधर आते हैं। सपोज मैंने ऐसे लिया, ऐसे लिया, अब इनका नाम लिखना है। ये जो पहले वाला है, दूसरे वाला है, तीसरे वाला है। पहला वाला एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड है। ये जो रूट होता है ना, रूट, इसको ग्रीक में अल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्क। लिख लो। लिखने के बाद बोल दो। बोल दो। ओके। दिस इज एल्कीन एंड दिस इज एल्काइन। यस, क्यों? वो भी समझ में आता है। ये जो एल्क है, एल्क, ये जो एल्क है, ये क्या है? वर्ड रूट। व्हाट इट इज? वर्ड रूट। और ये जो तुम्हें ई दिख रहा है एंड में, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उस हिसाब से इसको देखेंगे। लेकिन बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप, इनमें कोई सब्स्टिट्यूएंट अलग से नहीं है, जो है कार्बन चेन में ही है। यस और नो? यस मैम। और जो बीच का पार्ट है वो क्या दर्शाता है? बॉन्ड्स। नॉट नंबर ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड दर्शाता है। यस, अब बताओ इसमें कितने कार्बन है? एवरी कॉर्नर इज कार्बन। हाँ, देखो कैसे काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। क्या बोलते हो तुम, कितने कार्बन है? 10 के लिए क्या लिखते हैं? डेक। एवरीबडी एग्री टू दैट? यस मैम। यस मैम।
कार्बन कार्बन बॉन्डिंग क्या है? सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन. क्या यह हाइड्रोकार्बन है? एन. यस. हाँ. यस. यस सर. नो. हाँ. यस. अभी नेक्स्ट वाला काउंट करो. नेक्स्ट वाला काउंट करो कितने कार्बन है. टेन. अरे तुम सेम बन गया. ओके. इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी. तुमने पढ़ा था टेंथ में. अरे टेंथ में पढ़ाई है ना भाई लोग. यस. आपको चेन का नंबरिंग उस एंड से करना है विच इज नियर टू द डबल बॉन्ड. क्या बोला मैंने? यस. द चेन टेल मी नंबर फ्रॉम दैट एंड विच इज नियर टू द डबल बॉन्ड. यस और नो? यस. तो चेन उस एंड से नंबर करेंगे जो कि डबल बॉन्ड के नजदीक होगा. तो बताओ कहां से नंबरिंग करें? राइट राइट साइड. एनी प्रॉब्लम? ओके. नाउ हाउ मेनी कार्बन? टेन. टेन के लिए क्या लिखते हैं? लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्डिंग कैसा है? डबल. डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन कहाँ है? थ्री पे. तो थ्री इन. इन. और लास्ट में क्या लिखते हैं? ई. ई. लास्ट वाला बनाते हो खुद नाम? यस. बोलो बनाओ. लास्ट नाम बना के बोलो 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 जल्दी जल्दी बोलो. डेक फोर इन. डेक फोर वाई. डेक फोर आई. डेक फोर आइन. देखो ऐसे होगा नंबरिंग यहां से होगा बरोबर बरोबर कि नहीं बोलते बेटा? यस. यस मैम. यार ये लड़के लोग की आवाज ही नहीं आती. ये लोग सोते हैं क्या क्लास में? यस मैम. यस सोते हैं. ये सोते हैं क्लास में. तो ये मोनिश जल्दी से बोला यस मैम. वैसे नहीं मिस, आंसर के लिए यस. ओके चलो तो इसी बात में बताओ क्या लिखिए वर्ड रूट. कहां गए मोनिश? मिस डेक फोर आइन. देखो तुमने क्वेश्चन नहीं ध्यान से सुना. मैंने कहा क्या लिखिए वर्ड रूट. तो रूट खाली डेक हुआ. समझ में आई बात? नहीं. हाँ मिस. हाँ. फिर मैं पूछूंगी प्राइमरी सफिक्स क्या है. तो प्राइमरी सफिक्स हुआ आइन. आइन का पोजीशन है हाँ. तो फोर. देन आई विल आस्क यू व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स. क्या पूछूंगी मैं? सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स क्या है? आइन. समझ गए कि नहीं? यस मैम. नहीं समझे? सेकेंडरी सफिक्स आइन नहीं है. सेकेंडरी सफिक्स है खाली
ए मतलब आपको अभी भी नहीं समझा था, खाली प्राइमरी सफिक्स है एन ए नाइन, सेकेंडरी सफिक्स या तो ई होगा या जो भी उनका क्लास होगा उस हिसाब से उनका नाम होगा। शेर का बच्चा है, गधे का है, लोमड़ी का है, खरगोश का है, चीते का है, कैट का है, बिल्ली का है, कुत्ते का है। आर यू गेटिंग मी? यस। अकॉर्डिंगली इट विल चेंज। प्लीज राइट दिस दीज एग्जांपल्स। Done, ma'am. Yes. Done, ma'am. लिखा ना सबने? यस यस समझ में भी आ गया ना? यस मैम यस मैम। डिटेल में रूल्स देखेंगे लेकिन छोटा छोटा चीज अभी समझ रहे हैं खाली हम। नाउ I'm going to the next example now, and that is, चलो बीच में एक छोटी सी और बात सीख लेते हैं, और वो है कार्बन के बारे में कुछ चीजें। और दैट इज सबसे पहले जेड। जेड किसका सिंबल है? एटॉमिक नंबर। क्या है कार्बन का एटॉमिक नंबर? सिक्स। और एटॉमिक मास क्या है? ट्वेल्व। इस तरह से कार्बन का सिंबल क्या हो गया? सिक्स सी ट्वेल्व। अब कार्बन की वैलेंसी क्या है या कार्बन कितने कितने बॉन्ड्स बनाएगा ये किस पे डिपेंड करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जो हमने टेंथ में सीखा था? 2.4। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जो हमने अभी सीखा 11th में? 1s2 2s2 2s2 1s2 2s2 2p2। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। फोर।
लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, इस वाले के हिसाब से कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? या फास्ट फास्ट, सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो भाई, फोर। अच्छा, उसके हिसाब से भी फोर है, लेकिन लास्ट में तो टू दिख रहा है। टोटल शेल फोर है। यस, ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है ये, लेकिन सेकंड शेल के दो हिस्से हैं और दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? फोर। तो कार्बन हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, सो कार्बन विल डेफिनेटली मेक बॉन्ड विद अदर एटम्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल? एट इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने और चाहिए? चार। और जितने और इसे चाहिए वो इसका क्या है? वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या हुआ? फोर। इसी बात को वर्ड्स में क्या बोलेंगे? वैलेंसी फोर है, इसे वर्ड्स में क्या बोलेंगे? इन वर्ड्स, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। माइंड ब्लोइंग। सो इन वर्ड्स ये हो गया, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अगर कार्बन टेट्रावैलेंट है, हाउ इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स? इट कैन मेक फोर बॉन्ड्स। वेरी गुड। फोर डबल, फोर ट्रिपल और फोर सिंगल बॉन्ड्स? फोर सिंगल। So from this I can say number of bonds formed by carbon are four covalent bonds. So carbon can make four covalent bonds. Samjha ki nahi? Samjha. Yani ek baat to pakki hai. Kitni baat pakki ho gayi? Arey, ne chindi question ka bhi jawab nahi dete lo. Ek baat pakki. और वो बात ये है, द थिंग विच इज पक्कू इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स एनी एटम फॉर्म्स इज इक्वल टू इट्स वैलेंसी। लिख लिया, लिख लो, एक मिनट रुको, बोलो बोलो। यस मैम। यस मिस। ओके, डन मैम। सो व्हाट वी लर्नड इज कार्बन सिंबल इज 6C12, वी कैन सी इट ऑन द पीरियोडिक टेबल एज 6C12, इट्स एटॉमिक नंबर दैट इज Z इज इक्वल टू 6, व्हिच इंडिकेट्स इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? Yes. Atomic number of any element is nothing but its number of protons and its number of electrons.
Since in any atom, number of protons and electrons are equal, that is why atoms are electrically neutral. Do you remember which rule we did in redox reaction matches this statement that since number of protons is equal to number of electrons, so atoms are electrically neutral. Which rule matches this statement? Rule number one. Very, very good, Sneha. Rule number one. What was the rule, beta? Ma'am, Yashvi. Okay, Yashvi, what was the rule? Say loudly. Ma'am, can you hear now? Ma'am, oxidation number of any atom free in combined state is zero. Very, very good. The oxidation number of any free uncombined elemental state of a substance is always, always zero. Okay. Then we did electronic configuration. The bachu wala is 2-4. So valence electrons are 4. While if we see electronic configuration in 11th standard after doing structure of atom, we know 1s2, 2s2, 2p2, which also indicates it has 4 electrons in its valence shell. And hence to satisfy its octet or to complete its octet to reach the electronic configuration of nearest inert gases, carbon need to share 4 electrons more. So its valence is 4, and hence we say carbon is tetravalent. That is, carbon can form 4 covalent bonds. And from this we learnt a bath. And the bath was number of bonds any atom forms is equal to its valence. Now, you remember we did decane just now? Yes, ma'am. Yes. And we did dec? Three in. And we did dec? Four in. Let us understand them in the form of the structures. What is the word root here? वर्ड रूट है डेक 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 क्या बताता है टेन कार्बन नंबर ऑफ कार्बन टेन कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन रूट को ग्रीक में क्या बोलते हैं एल ओके okay. और इन सब का एंड ये है ई क्या बताता है लास्ट वाला सफिक्स सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स है सेकेंडरी सफिक्स किस किस का सेकेंडरी सफिक्स है ये हाइड्रोकार्बन मैंने कहा किस किस का है तो बस हाइड्रोकार्बन बोल के हो गया नाइट्रो होगा अल्कोक्सी होगा नाइट्राइल होगा नाइट्राइल भी लिख सकते हो एग्जाम्पल इधर ये नाइट्राइल भी हो सकता है लेकिन नाइट्राइल हमने तब इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये नाइट्राइल सफिक्स है ये ऐसा ग्रुप है ये ऐसा ग्रुप है जो कि खुद सफिक्स है और फिर भी इसके जो आगे NE9 होता है ना उसमें ई लिखा जाता है ये खुद सफिक्स है लेकिन फिर भी इसका जो रूट है ना रूट वर्ड रूट अल्क अल्क उसमें एंड में ई लिखा जाता है और बाकी सारे ग्रुप प्रीफिक्स हैं ये ग्रुप प्रीफिक्स है ये सब यहां तक से लेके यहां तक सब प्रीफिक्स है आर यू गेटिंग मी दे ऑल आर प्रीफिक्स ये बोलना मैम
यस मैम पे आपने पहले नाइट्रिल लिखा है हाँ ओके ये खाली क्या समझना है आपको वेरी गुड मेरा ध्यान वहां डलवा दिया वेरी नाइस ये बस यहाँ तक ठीक है वो सफिक्स है ये सारे ग्रुप प्रीफिक्स है बाकी ठीक है yes, अब एन तो पता है कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में ट्रिपल अब डेक मतलब 10 कार्बन बरोबर यस यस मैम सो आई एम राइटिंग 10 कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा सिंगल बॉन्ड सिंगल कैसे ये देखो यहाँ से समझा सिंगल बॉन्ड दिस प्रॉपर्टी दैट आई एम मेकिंग इज कॉल्ड कैटेनेशन अभी क्या ऐड करना है मुझे इसमें ई है ई किसका सफिक्स है हाँ ई किसका सफिक्स है हाइड्रोकार्बन का हेलो नाइट्रो नाइट्राइल नाइट्रोसो अल्कोक्सी लेकिन इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तुम्हें नाइट्रो नाइट्रोसो अल्कोक्सी नाइट्राइल नाइट्रोजन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है नाइन 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 कर रहे अरे भाई नाइट्रोजन है ही नहीं यानी सारी वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई होंगी हाइड्रोजन से क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका कि कार्बन वाला हिस्सा ये है जो कि हम लिख चुके हैं और हाइड्रोजन अभी हम बनाने जा रहे हैं यस इच कार्बन कैन मेक हाउ मेनी बॉन्ड्स फोर बॉन्ड्स फोर बॉन्ड्स एक था तीन और बना दिए यहाँ कितने इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है दो है दो और बना दो इसके पास कितने बॉन्ड है दो है तो कितने और बना दें दो अबाउट नेक्स्ट वन दो उसके नेक्स्ट वाला दो अबाउट नेक्स्ट वाला अरे बल्ला ना क्या वाला वाला तीन बार भूल गया वही तीन तीन इज दिस क्लियर यस मैम यस मैम सिमिलरली अगेन हियर आई एम मेकिंग हाउ मेनी टेन का डेक थ्री इन यानी वन टू थ्री डबल बॉन्ड थ्री और थ्री और फोर के बीच में ऐसा ना यस मैम Now add H. Can you do? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Itna tough nahi hai na? Ye dekho H, H, H. Hey, bachon.
Done, ma'am. Have you done the last structure also, beta? Yes, ma'am. Tell me how to make. C single bond C, triple bond C with single bond C. अभी triple bond डालूं? नहीं मैम, एक और single bond. Fourth पे triple bond. Yes. पांच हो गए, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच. बरोबर? Yes मैम. Now how many is here? Three. Next. Two. Next. Two. Next. No. Already चार bond है, एक दो तीन और ये चार. Then next. Two. Next. Two. Next. Two. Next. Two. Last. Three. Anything clear, everybody? Yes. 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 Everybody, Akshay. Done, Miss. Aryan. Nivriti. खुशी, हील, स्नेहा, युविका, यशवी, हील, नंदा, यस मैम, आर्या, यस मैम, ओके, सो आई थिंक दिस मच ऑफ इंट्रोडक्शन इज सफिशिएंट इन द बिगिनिंग, ओके, लेट अस नॉट टेक टू मच ऑफ ओवरडोज आल्सो फर्स्ट डे, दिस मच इज सफिशिएंट to begin with. Okay, now we will be discussing doubts of redox on Monday. Yes, but once you have to go through your entire book. क्या करो, मैंने जितने भी doubts states of matter के लिए पूरे अच्छे से लिख लिख के समझ के पूरे वो doubts पहले कर लो, उसके बाद देखो तुम्हारे और कौन से doubts हैं, और जो बाकी के doubts हैं उन्हें एक बार खुद करने की वापस कोशिश करनी है, और फिर कुछ नहीं आता वो पूछना है, is that okay? Yes, ma'am. Okay, bye-bye.